दुनिया की बड़ी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में से एक है होम्योपैथी, जो 85 से अधिक देशों में प्रचलित है तथा ये 100 करोड़ से अधिक लोगों के विश्वास का प्रतीक है। भारत में आज 3 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर, 258 होम्योपैथी महाविद्यालय, 300 से अधिक होम्योपैथिक दवा निर्माता कंपनियां हैं। वर्ष 1796, लाइक क्योर्स लाइक, समय सम समयति। सैमुअल हैनिमन, होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनिमन ने आज से 226 वर्ष पूर्व 1796 में लाइक क्योर्स लाइक के मूल मंत्र के साथ इसे जर्मनी में प्रारंभ करते हुए ये सोचा भी नहीं होगा कि ये पद्धति अगली सदी के हिंदुस्तान की चिकित्सा प्रणाली में मील का पत्थर साबित होगी। लगभग 200 वर्ष पूर्व जर्मनी मिशनरीज के माध्यम से ये भारत में प्रयोग के तौर पर लाई गई थी, परंतु आज होम्योपैथी दुनिया में सबसे अधिक विकसित हिंदुस्तान में हो रही है। आजादी का 75वां वर्ष भारत अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता के इस एक गौरवमयी उत्सव में होम्योपैथी का भी अपना योगदान है। वर्ष 1839, पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह का इलाज होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनिमन के अनुयायी डॉक्टर होनी बर्गर ने सफलतापूर्वक किया। इसके बाद पूरे देश में इसकी ख्याति बढ़ने लगी। खास तौर पर बंगाल में फैली हैजा की महामारी की रोकथाम में होम्योपैथी की अहम भूमिका के कारण होम्योपैथी कोलकाता में पैर पसार पूरे बंगाल में फलने फूलने लगी। बाबू राजेंद्र लाल दत्त भारत के पहले होम्योपैथिक चिकित्सक थे, इसीलिए उन्हें भारतीय होम्योपैथी का जनक भी कहा जाता है। होम्योपैथी की पद्धति का ये आलम हुआ कि कई एलोपैथिक चिकित्सकों ने होम्योपैथिक को अपनाना शुरू कर दिया। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार पहले एलोपैथिक चिकित्सक थे जिन्होंने होम्योपैथी को अपनाया। होम्योपैथी से कई असाध्य बीमारियों के इलाज में चमत्कारिक परिणाम मिला तो इसका वर्चस्व पूरे देश में हो गया। इसी दौरान होम्योपैथी पद्धति के बारे में ज्ञान वृद्धि के लिए वर्ष 1881 में कोलकाता होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की गई। हिंदुस्तान में होम्योपैथी का सफरनामा। वर्ष 1948, संसद में होम्योपैथी चिकित्सा को मान्यता देने का प्रस्ताव पेश किया गया। वर्ष 1950, डॉक्टर के जी सक्सेना को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निजी चिकित्सक नियुक्त किया गया। 10 अप्रैल 1955 डॉक्टर सैमुअल हैनिमन के जन्मदिवस पर विशेष डाक टिकट जारी किया गया। होम्योपैथिक वैधानिक एवं स्वायत्त निकायों की स्थापना का दशक। 1970 के दशक में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की स्थापना के उपरांत होम्योपैथी का विस्तार बहुत तेजी से हुआ, खास तौर से 1973-74 के दौर में जब संसद में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने के लिए केंद्रीय परिषद बनाने के लिए बिल पास हुआ। CCH यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी की स्थापना अगस्त 1974 में की गई। वर्ष 1975, कोलकाता में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एवं गाजियाबाद में होम्योपैथी फार्माकोपिया लेबोरेटरी की स्थापना की गई। सरकार द्वारा 1969 में CCRIMH केंद्रीय भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। वर्ष 1978 में सभी वैकल्पिक पद्धतियों के विकास के लिए अलग अलग अनुसंधान परिषदों का गठन किया गया। इसी समय होम्योपैथी के अनुसंधान विस्तार के लिए केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद का गठन, होम्योपैथी के क्षेत्र में औषधि मानकीकरण, औषधि प्रमाणीकरण, नैदानिक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, नैदानिक सत्यापन, औषधीय पादप सर्वेक्षण, संग्रहण और उपज, जन स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं संक्रमण अनुसंधान के उद्देश्य से किया गया और आज ये अनुसंधान 24 संस्थानों के साथ विस्तार की ओर अग्रसर है, जिसमें से डॉक्टर डीपी रस्तोगी केंद्रीय अनुसंधान संस्थान नोएडा प्रसिद्ध है होम्योपैथी दवाएं विकसित करने के लिए। राष्ट्रीय होम्योपैथी मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कोट्टयम प्रसिद्ध है मानसिक रोगियों की चिकित्सा के लिए तथा डॉक्टर अंजलि चैटर्जी क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान कोलकाता अपनी अत्याधुनिक विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1989 में CCH ने होम्योपैथी के शिक्षण के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की पढ़ाई शुरू की। वर्ष 1995 में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी विभाग बनाया गया।
और वर्ष 2003 में इसका नाम बदलकर आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आयुष विभाग हुआ। माननीय नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने पर वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को अधिक महत्व देने के लिए आयुष विभाग को अलग मंत्रालय के रूप में स्थापित किया गया और इसी पहल में होम्योपैथी को विशेष प्राथमिकता देने के प्रयास तेज कर दिए गए। इस मंत्रालय एवं चिकित्सा पद्धतियों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया जो गत 8 वर्षों में 400% तक बढ़ा। आयुष, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिग्पा, होम्योपैथी। अपने आजादी की 75 वर्ष का जश्न आजादी की अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। यह रोजगार से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी विकास की क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का उत्सव है। आयुष मंत्रालय भी इस अमृत महोत्सव में चिकित्सा की वैकल्पिक पद्धतियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की गौरव से असूटा नहीं है। मंत्रालय सभी वैकल्पिक पद्धतियों अर्थात आयुर्वेद, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा, सोवा रिग्पा एवं होम्योपैथी के विकास में कार्यरत है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भले ही 200 वर्ष पूर्व जर्मन मिशनरी के द्वारा भारत में लाए गए, लेकिन इसकी लोकप्रियता आज संपूर्ण विश्व की तुलना में भारत में सर्वाधिक है। इस पद्धति में जन जन का विश्वास, भारत की कोने कोने में उपलब्ध चिकित्सा केंद्र के तट और उसमें आने वाले रोगियों की संख्या से ही साबित होता है। आयुष मंत्रालय होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के विकास और जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2021 में एक ऐतिहासिक पहल हुई, होम्योपैथी के लिए अलग से राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग देश भर में 258 कॉलेज की सहायता से होम्योपैथी की शिक्षा और प्रशिक्षण कराकर होम्योपैथी के चिकित्सक तैयार कर रहा है। होम्योपैथी की कुछ खास बातें। देश में आज करोड़ों लोग होम्योपैथी आधारित चिकित्सा से लाभान्वित हो रहे हैं। ये दवाइयाँ दूध मुहे बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर आयु वर्ग को आसानी से दी जा सकती है और सबसे बड़ी बात, इन होम्योपैथी दवाओं का कोई गंभीर साइड इफेक्ट भी नहीं होता। साथ ही साथ कीमत कम होने से गरीब इंसान भी इसे खरीदने में समर्थ है। पूरा इलाज रोगी के लक्षणों पर आधारित होता है। होम्योपैथी के विकास में योगदान के लिए देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से 7 होम्योपैथिक चिकित्सकों को सम्मानित किया जा चुका है। होम्योपैथी में बेहतर दवाओं की उपलब्धता के लिए सतत अनुसंधान किए जा रहे हैं तथा दवाओं में प्रयुक्त किए जाने वाली औषधि कृषि को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि देश में निर्मित दवाइयां वैश्विक फार्माकोपियोल मानक के अनुरूप हो। सबको नमस्कार। भारत चिकित्सकीय रूप से विविधतापूर्ण देश है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 आधुनिक चिकित्सा और आयुष प्रणालियों दोनों के एकीकरण को बढ़ावा देती है। सरकार आयुष प्रणाली के बुनियादी ढांचे, शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देती है। इसे विश्व स्तर पर स्वीकार्य बनाने और भारत को कल्याण पर्यटन के लिए एक मंतव्य के रूप में स्थापित करने पर भी जोर देती है। मंत्रालय अपनी विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से भारत में होम्योपैथी को लोगों की पसंद का केंद्र बनाने तथा इसके विस्तार का समर्थन करता है। केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद होम्योपैथी में एक शीर्ष निकाय वैज्ञानिक अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग होम्योपैथी की शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए गठित हुआ है और भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग
दवाओं की गुणवत्ता मानकों की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में होम्योपैथी के उपयोग को बढ़ावा देकर विश्व को उत्तम स्वास्थ्य की सौगात दें।